हेलो व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आज हम सूरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे चैनल को बिग करना है और 100K मेरे को सब्सक्राइबर्स करने, और मैं अभी 2000 पे ही हूँ। 1,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो करें। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सूरी के प्रोडक्ट्स के बारे में सारी रेंज में बताऊँगा, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, कौन से प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो खाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सूरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम बात करेंगे सूरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं सूरी की रेंज में, ग्रेनाइट के लिए, मार्बल के लिए, फिलिंग के लिए। तो हम पहला प्रोडक्ट पकड़ेंगे, ये हमारा सूरी पॉलेक्स का जेल है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है सूरी का 5040। सो ये एल स्पेशल और जो अपना एक्मी का 5010 आता है उसकी तरह ही बॉक्स है, 2.25 किलो का। और साथ में हमारा मार्बल ग्लू है, क्लियर वाला, ट्रांसपेरेंट एल स्पेशल जैसा, और ब्लैक कलर में अवेलेबल है सूरी का मार्बल ग्लू। तो ये पॉलिएस्टर पेस्ट एंड जेल दोनों है। ये क्लियर वाला क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हल्की वाइटी स्टोन आती है, और ब्लैक वाला ब्लैक कलर का है। तो ये तीनों हो गए ये प्रोडक्ट्स। तो आइए आगे चलते हैं। बाकी ये सारी रेंज हैं, इसमें हार्डनर वगैरह सारे मैस्टिक हैं, कुछ इसमें ट्रांसपेरेंट है, और ये रेजिन है हमारा। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये सूरी का एजर है, अल्ट्रा लक्स है और एंटीक है। एजर का काम होता है एक वेट सी लुक लाना, डार्क करना पत्थर को, जैसे नैनो का उसका आपका जो डार्कनेस ऊपर आता है वैसा, प्लस जो टीनेक्स में एजर करके आता है प्रोडक्ट, उसके लिए है। अब हम एब्रेसिव की बात करते हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट एब्रेसिव है, जो लॉन्ग वाली होती है, इसकी मशीन अलग आती हैं, और ये बहुत ही इंडिया में तो बहुत ही कम चलती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये पीडी एब्रेसिव हैं, ये मोल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। और जो ब्रश आपको दिख रहे हैं राउंड में राइट साइड में, सिलिकन ब्रश हैं वो सारे, वो एंटीक पॉलिशिंग के लिए होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा एंटीक ब्रश के ऊपर। जैसे आपने लपेटो फिनिश सुनी होगी या सैंड ब्लास्ट सुनी होगी, तो लपेटो फिनिश के लिए एंटीक ब्रशेज यूज़ होते हैं। तो थोड़े महंगे होते हैं ब्रश। आइए हम सीलर्स वगैरह की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा ग्रीन कलर का जो है शैम्पू है, फ्लोर शैम्पू, फिर स्टेनर है, फिर नैनो इफेक्ट है, नैनो सीलर है, फिर स्टोन पॉलिशर है एंड स्टोन डार्कनर है, फिर स्टोन सीलर है। एक्मी में जितने आपने सुने होंगे वो सारे इसमें भी अवेलेबल हैं, बट मोस्टली इसके 4 या 5 ही केमिकल सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अभी सूरी ने केमिकल्स में इतनी पकड़ नहीं करी है जितनी अदर ब्रांड्स ने कर रखी है। प्रोडक्ट इनके भी अच्छे हैं, बट आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो ये डेंसी हार्डनर मार्बल है, और उसके बाद रेजिन है, देन एक और प्रोडक्ट है, ये डेंसीफायर की रेंज है पूरी, और लास्ट में जो हम पाउडर पड़ा हुआ है। अब स्टेनेक्स है, ये सीलर है एक तरीके का, सेरा लिक्विड एक शाइनर है, डेंसी हार्डनर, ये दो क्वालिटी के हैं, ग्रे एंड रेड। जैसे 800 और 200 आता है, वैसे ही इसमें भी डेंसीफायर आते हैं सारे। सूरी में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं डेंसीफायर किसी को, और सेरा लिक्विड इसका भी अच्छा है, शाइनर है, सस्ता है और टिकाऊ भी है।
नेक्स्ट ईयर डेंसी हार्डनर हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 800 और 200 दोनों कैटेगरी का अलग है, और साथ में इसमें सीमेंट के हार्डनर भी आते हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट सीमेंट के आपके आते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे भी इसमें एक प्रोडक्ट आएगा कि उसमें सीमेंट और कंक्रीट फ्लोर के लिए भी हार्डनर आता है। अब ये स्टेन प्रोटेक्टर कंक्रीट है, ये भी एक तरीके का हार्डनर ही है, प्लस एक सीलर है कंक्रीट फ्लोर के लिए, आप इसको भी कहीं लगा सकते हैं, और वाटर बेस सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बारे में आपने पहले बता दिया, स्टेनेक्स एक सीलर है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला सीलर है, और ये सॉल्वेंट बेस्ड सीलर है, बहुत अच्छा है, वाटर रिपेलेंट है और फ्लोर प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में वैक्स क्रीम है, ये महंगी क्रीम है, और शाइनर वाली सस्ती क्रीम जैसे आप एक्सेल पॉलिश की यूज़ करते हैं वैसे ये शाइनर एक्स है, उससे थोड़ी महंगी है बट क्वालिटी भी इसकी अच्छी है उससे। आइए अब आगे चलते हैं। ये नैनो सीलर है, देन फ्लोर क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर सस्ता है और नैनो सीलर जैसे नैनो इफेक्ट आपने सुना होगा वो है, प्लस साथ में और प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये बाकी के जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं सारे मेंटेनेंस के हैं, टॉयलेट क्लीनर अभी आता है सूरी में, ग्लास क्लीनर, टैप क्लीनर एंड अदर क्लीनर्स वगैरह भी हैं फ्लोर टाइल्स के लिए, आप इनको भी रिकमेंड कर सकते हैं किसी को और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब एब्रेसिव्स पे चलते हैं। ये जो एब्रेसिव राउंड वाले आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट के स्टोन एब्रेसिव्स हैं, आप इन्हें छोटी मशीन जो हैंड मशीन होती है उनमें यूज़ कर सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक आते हैं, और इटालियन का जो येलो कलर का आपको दिख रहा है डार्क वो इटालियन वाला है, ये सारे पॉलिशिंग के होते हैं। और आगे आप देख सकते हैं ये बड़े जितने सेट हैं ये सारे ग्रेनाइट पॉलिशिंग में यूज़ होते हैं, इन्हें हम ग्रेनाइट पॉलिशिंग एब्रेसिव बोलते हैं, जिनके अंदर खांचे बने हुए हैं खाली हैं वो नाली वाले सेट होते हैं, नाली इन द सेंस कि उनकी कटिंग फास्ट होती है, स्लरी निकलने के लिए स्पेस होता है, और जो भरे हुए सेट होते हैं बड़े वाले जो प्योर भरे हुए हैं सारे वो भरे हुए बिग सेट्स होते हैं, तो फ़र्क यही होता है कि मटेरियल ऊपर नीचे होता है इनमें, सेट बड़ा होता है तो महंगा होता है, छोटा है तो छोटा और सस्ता होता है, ये उनके लिए है आप देख सकते हैं। ये जो हमारे येलो कलर के सेट आपको दिख रहे हैं ये इटालियन सेट हैं, जिसे आप इटालियन सेट्स बोलते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ये भी ग्रेनाइट पॉलिशिंग में यूज़ होते हैं, और जितने आपको बिट वाले दिख रहे हैं वाइट कलर का और लेफ्ट में जितने हैं ये डायमंड के सेट्स हैं, इनमें आयरन सेट्स बोलते हैं वैसे B2X, तो ये आयरन डायमंड सेट हैं। ये सारे एब्रेसिव ग्रेनाइट में यूज़ होते हैं। अब ये बिट्स वाले जितने आपको दिख रहे हैं सारे डायमंड कटिंग प्लस कंक्रीट फ्लोर कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इसका ट्रेंड अभी इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा है, डोमेस्टिक में यूज़ नहीं होता है, डोमेस्टिक में खाली एक जो वाइट कलर का सेट आपको दिख रहा है डायमंड का वही यूज़ होता है, इनकी कटिंग फास्ट होती है, रिज़ल्ट अच्छा होता है, लो वाटर यूज़ होता है, विदाउट वाटर यूज़ भी कर सकते हैं आप इन्हें, तो टेक्निक अब न्यू होती जा रही है डे बाय डे, कुछ दिनों में आपको और भी एब्रेसिव नए देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं डायमंड पॉलिशिंग पैड्स के ऊपर, ये जितने राउंड्स वाले आपको दिख रहे हैं ये वाले डायमंड पॉलिशिंग पैड्स होते हैं, और नीचे जो सेकंड रो में आपको दिख रहे हैं ये बिट्स वाले डायमंड कटिंग सेट्स होते हैं, ये जितने भी है डायमंड मशीन में ही लगते हैं, ये नॉर्मल ग्रेनाइट मशीन में नहीं लगते हैं, सेमी ग्रेनाइट मशीन में लग सकते हैं अगर कोई ठेकेदार ने प्लेट चेंज करा रखी होगी तो, आप इनको गौर से देख सकते हैं।
ये जितने सेट्स हैं ये भी डायमंड मशीन में लगते हैं। अब हम सैम्पलिंग देखते हैं कि अपॉक्सी की ये है, एजर की डिफरेंस देख सकते हैं आप डार्क और लाइट में। ये सैम्पल्स हैं, ये अल्ट्रा लक्स का फ़र्क है, नरिशमेंट एंड कलरिंग के अंदर काम आता है, ये वेन्स को कलर देता है एक नेचुरल। ये स्टेनेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है और प्लस प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बना रखी है। ये टफ स्टोन है, जैसे आपका लाइम स्टोन आता है उसके लिए। ये सूरी के हमारे न्यू लॉन्च पैड्स हैं, मींस सूरी वालों ने लॉन्च किए हैं। ये विदाउट वाटर यूज़ करने वाले हैं और इनकी एवरेज वो ज़्यादा बताते हैं, बट इंडिया बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारी सूरी की डायमंड से डायमंड कटिंग में यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैं लोग सस्ती पॉलिशिंग करवाने के लिए डायमंड मशीन ये यूज़ करते हैं। इसकी कॉस्टिंग सस्ती होती है। आप कोई भी मशीन यूज़ करें डायमंड में, अपने ठेकेदार को बोलिए मशीन का वेट मिनिमम 65 केजी होना चाहिए या 60 केजी होना चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद उसके आरपीएम 180 से लेके 170 से लेके 200 के बीच में होने चाहिए या 190। ये वैक्यूम है सूरी का, एंड ये मशीन जो है 3 HP मोटर या 2.5 HP मोटर की मशीन है, या 5 HP में भी अवेलेबल है। और ये सीमेंट फ्लोरिंग के लिए है, सीमेंट कंक्रीट कटिंग फ्लोरिंग के लिए है। इसमें वैक्यूम अटैच होता है और ये इंडस्ट्रियल फ्लोर के लिए यूज़ होता है। आप इसे देख सकते हैं, ये सबसे हैवी मशीन है सूरी की। सूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता, ये भी इंपोर्ट ही करता है चाइना से। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आने वाले टाइम में इंडिया में आपको बहुत ही महंगी महंगी मशीनें देखने को मिलेंगी। ये तो जस्ट बेसिक्स मॉडल है, जो बाहर बंद हो चुके हैं वो इंडिया में चल रहे हैं। इंडिया में क्लिंडेक्स की मशीन ना करते हुए भी कम से कम 1-1 लाख रुपये की मशीन आती है, और वो यहाँ पे कोई भी ठेकेदार या कोई भी क्लाइंट नहीं चलाता है और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। उसकी सर्विसेज देने के लिए फिर क्लाइंट से रेट एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे, तो इतना रेट इंडिया में इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो यही थी, और देख सकते हैं आप, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करें, मैंने आपको अच्छी सर्विस दी है तो उसका भी मेंशन डिस्क्रिप्शन करें कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।